ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਛੱਕੇ ਛੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਵਿਕਟ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀਰੇ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਯਾਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਠੀਕ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਸਕੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਅਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ सब तो पहला असी स्वागत करते हैं सलीम तलवंडी जी साडे चैनल के जरिए जुड़े सलीम जी तुहाडा स्वागत है। तुसीं राजा हीरां दे चैनल के जरिए अज लोगों के रूबरू होए हो तो असी बहुत चिर तो तुहाडे नाल गलबात करनी चाहिए पर अज टाइम लग्या सो असी स्वागत करते हैं तुहाडा। सब तो पहला सत श्री अकाल सारे दर्शक वीरां नूं सारे भरावां नूं ते तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो इहने जी सलीम तलवंडी असी बाई दे नाल गलबात करांगे बाई दी जिंदगी बारे जाणांगे। सो सलीम तलवंडी जी आपां गल करिए तुहाडे बचपन की सो तुहाडा बचपन कित्थे बीतिया? मेरा बचपन मेरे पिंड लालियाणी बीतिया मोस्टली लोग तलवंडी तो 5 किलोमीटर दूर आ वो मेरा जद्दी पिंड आ ते बस फिर उत्थे खेलदा कुलदा वड्डा होया ते तलवंडी ही मेरी स्टडी हुई है बाद च इत्थे शिफ्ट हो गई जी। जी बिस जिस तरह सलीम जी आपां गल करिए वी फैमिली दी फैमिली दे विच कौन कौन है? फैमिली दे विच सारी आ मेरे चाचा चाची आ बट हुण असीं सैपरेट रहिंदे आ तां मेरे मदर फादर इकट्ठे रहिंदे आ ते सिस्टर मेरे बाहर ने। ओके ओके ते आपां तुहाडी स्टडी बारे आप गल करिए सलीम तलवंडी जी ने अज तक की स्टडी जी कंप्लीट कर ली है? मेरी पोस्ट ग्रैजुएशन ऑलरेडी कंप्लीटेड आ ते हुण मैं डॉक्टरेट परस्यू करी जाना आदेश यूनीवर्सिटी दे विच वीरे। जदों तुसी यूनीवर्सिटी दे स्टडी कर रहे सीगे उदों तुसी यूनीवर्सिटी दे वल्लों भी क्रिकेट खेडी है? हाँ जी मैं बाबा फरीद वल्लों खेडा आ लगातार 2 साल इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर यूनीवर्सिटी हुंदी आ तो दूसरी टाइम मेरा लाइक नी इंजरी हो गई सी टूली पे खेड़दे हुए तो फिर उतो मैं तो जा नहीं होया इस बाद मैं लाइक प्रोफेशनल गेम थोड़ी मतलब दूर ही हाँ उस तो। ते कास्को क्रिकेट दे नाल किन्ना चिर हो गया तो उन्हें जुड़िया नूं? अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब नाल 10 तो 11 साल हो गए मेरे लाइक कास्को क्रिकेट नाल जुड़े हुए नूं। मैनूं 2011 दे विच मैं क्रिकेट स्टार्ट कीती सी ते उदों नाल दी नाल ही कास्को आ गया तो 2013 दे विच इस चीज़ का ज़्यादा रुझान वध गया सीगा तो उदों तो ही मैं जुड़िया हुआ ये नाल। सो अज तुहानू किन्ना चिर हो गया क्रिकेट दे नाल जुड़िया नूं जी आपां सालां दी गल करिए? दस रहा जिदा मैं तुहानू कहा भी 11 तो 12 साल हो गए होने सो मेरे चंगी तरह याद नहीं हैगा बट 2011 दे विच मैं स्टार्ट किया। सो सलीम तलवंडी जी मतलब किस वीर नूं देख के तुसीं क्रिकेट खेडना स्टार्ट कीती जिन्हां तों तुसीं मोटीवेट होए हो भी हाँ यार उहदे वर्गा बनना? लाइक कोई पर्टिकुलर परसन नहीं सीगा भी मैं उहदे वर्गा बनना आ बस उदे ही पहला मैं लाइक मैं फुटबॉल खेलता सीगा तो उदा थोड़ा क्रेज़ घट गया सीगा उस गेम का क्योंकि उहदे विच फ्यूचर नहीं सीगा ते बाद दे विच क्रिकेट दे विच मैनूं अपना लाइक प्रोफेशन देखन लग गया उत्थों घरदिआं ने सपोर्ट कीती तो मैं लैदर दे एज अ प्रोफेशन मेरी स्टार्ट हुई सी गेम तो कुछ रीज़ना करके मेरे वो चीज़ा लाइक पूरिया नहीं हुई तो मैं कास्को क्रिकेट के शिफ्ट हो गया तो कोई एडा पर्टिकुलर परसन नहीं सीगा हाँ जज्बा जरूर सीगा भी कुछ मतलब प्लेयर बनना है एक चंगा प्लेयर बन के अगे आना है। सो अज तुसी तलवंडी नूं तलवंडी सब नूं रीप्रजेंट कर रहे हो बड़ी भागां वाली धरती है गुरुआ पीर पीर पैगंबरां सूरमे योधिया की धरती है वो धरती नूं तुसी रीप्रजेंट कर रहे हो किन्ना क तुहानूं माण महसूस हुंदा अपने आप ते किन्नी क सपोर्ट तुहाडे पिंड वालियां दे वल्लों तुहाडे एरिया दे वल्लों तुहानूं मिलदी है? देखो सलीम मेरा नाम है मेरे घरदे ने नाम रखता तो सलीम तो जो सलीम तलवंडी मैं कास्को ने दिता है तो यह चीज़ शब्दों में मैं बयान ही नहीं कर सकता कि मैं किन्ना लाइक इस चीज़ को अपने लिए कर्म वाली समझदा भी मैं इस लायक होया कि मतलब सलीम तलवंडी तलवंडी सबों नूं रीप्रजेंट करी जांदा एरिया नूं रीप्रजेंट करी जांदा पंजाब के मैप के उत्ते तो हुण तां तुहानूं पता भी लाइक ऑल ओवर इंडिया भी मैं खेड चुकिया तो यह चीज़ मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ के रही गल सपोर्ट की मेरा एरिया हमेशा मेरे नाल खड़ा है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते लाइक लाइव मैचेस होंगे कित भी मैचेस होंगे वो सब तो पहल तो मेरी लाइक है ना पूरी वधिया मतलब कहें होंगे भी तू साडे एरिया का नाम रोशन करी जाना इस तो उपर सू कुछ नहीं चाहिए बस खेलता रहा खुल के। सो सलीम जी आप गल करिए भी तुम अज तक कास्को क्रिकेट खेडी
जो थोड़े कैरियर की आप गल करिए तो तुम अज तक की जीत चुके हो? सब तो पहले तो मैं दिल जितया, लोगों का प्यार जितया थोड़ा सब का। तो प्रोफेशन की गल करिए तीन मोटरसाइकिल, एक मोडिफाई सी, आई थिंक फ्रिज वगैरह के मैं कैश प्राइज मिले है, तो चार क कूलर होने, पांच छे एल ई डीज, तो वॉशिंग मशीन सत्त अठ सगिया, तो मोस्टली कैश कैश प्राइजेस भी रहे। बिल्कुल काफ़ी कुछ इन्होंने कास्को क्रिकेट खेड के जितया। सो क्रिकेट खेडी, क्रिकेट तो अज तक की कुछ कमा लिया तुम भी, की कुछ तुहानू क्रिकेट खेड के मिलया उहदे बारे जरूर चानना पाओ? देखो मेरा शुरू तो लग के ही सीगा भी लाइक मैं प्लेयर बनना, अपना नाम बनाना है ना, अपने मम्मी डैडी का नाम रोशन करदा। तो मैं फील होंदा भी मैं बहुत सारिया लाइक कुछ हद तक ये चीज़ हासिल करने के काबिल हो चुकिया। तो क्रिकेट तो मैं नाम मिलया, सलीम तलवंडी मिले, लोगों का प्यार मिले, भरा मिले। तो जिम्मे अज तुम मेरा इंटरव्यू करी जाने लाइक ये मेरी एक तरह की अचीवमेंट ही मैं इस चीज़ कहना चाहूँगा। तो लोगों का सपोर्ट हो गया, तो होर कि चीज़ा ये जुड़ जा। सो बहुत ज़्यादा लोगों के वालों प्यार मिले। सो सलीम जी असी गल करिए, सो कास्को क्रिकेट तुसी खेडी, वख वख पिंडां दे विच जाने हो, लोगों के वालों किन्ना कि ज़्यादा तुहानू प्यार मिलता? ये चीज़ वैसे चलो हासा मजाक आ जाता, बट मैं जिथे भी जाना है ना, चलो जिदा भी लाइक कमेंटेटर मेरा नाम बोलते हैं उत्थे लोग, अजक तो इन्ना ट्रेंड होया भी घट्टो घट्ट 15 भी बंदे एह जे होंगे जो आसे पासे पिंडां तों आए होंगे मेरा मैच देखने वास्ते, मैं खेलते देखने वास्ते उत्थे आए होंगे, इन्नी सपोर्ट करते, हरेक पिंड वेट करते। लाइक कल नूं कितें जाना हुंदा, मेरा नाम पाया हुंदा ना किसी भी पेज के उत्ते, तो मैं मैसेज आउंदे, कॉल्स आउंदियां भी तुसीं उत्थे खेडन आओगे कि नहीं। लाइक ये चीज़ा यू नो, तो फिर ये चीज़ा बयान कर दें इस चीज़ को भी लोग कितना ज़्यादा चाहते हैं। बिल्कुल इन्होंने दस्या भी लोगों के वालों भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। सो सलीम तलवंडी जी आप गल करिए भी, सलीम तलवंडी का अज तक तुसीं क्रिकेट खेडते हो, बेस्ट बल्लेबाजी तुहाडा जिहड़ा मन नूं चंगा लगता होवे वो जरूर दसना है, क्योंकि ये अक्सर लोगों की मंग हुंदी है भी जिहड़े भी वीर दी तुसीं इंटरव्यू करदे हो उहदे तों उहदा बल्लेबाज ते उहदा बॉलर बेस्ट जिहड़ा उहनूं लगदा वो जरूर असीं पुछांगे भाई तों। पहला बल्लेबाज पुछ लिए भी किहड़ा चंगा लगदा? हाँ जी, मैनूं हरमन धूरी की बैटिंग देखनी लाइक कदों भी बैटिंग करदा वो मैनूं बहुत ज़्यादा पसंद आ, ते मेरा फेवरेट बैट्समैन भी वो आ। उदां मैनूं तलविंदर की बैटिंग देखनी भी बहुत चंगी लगती है। तो जे बॉलर की गल होवे तां आशू कोठेपुणे लाइक, तो बाद दे विच जिदा लाली बरनाला, चलो हुण थोड़ा घट खेलदा वो, बट इन्हां बंदे नूं देख के बहुत कुछ सीखिया मैं, मैनूं बहुत चंगा लगदा इन्हां दी गेम देखना। सो इन्होंने दस्या अपना बल्लेबाज भी बैट्समैन भी दस्या। सो असी गल्लबात करांगे सलीम बाई दे नाल। ते सलीम जी पिछले दिन ही तुसी एक टूरनामेंट खेडदे हो, कई टूरनामेंट खेडे आ तुसी पंजाब दे विच, ते तुसी टूरनामेंट खेड के अक्सर घर जाने हो, ते घर जाके एकोदम लाइव हो जाने हो, तो सारे अपने जज्बात अपनी गल लोगों के मूहरे रख दें, की यहोजा मन दे विच आया भी तुसी घर जाके लाइव हो गए तो लोगों मूहरे तुसी अपने गल्लां रखियां भी यह सही है कि गलत है? वो तुसी लोगों तो पुछया है, तुहानू लोगों ने मैसेज भी किया, इहदा की कारण सीगा, किहड़ी गल नूं लैके तुसी लाइव होए सीगे? लाइक कोई पर्टिकुलर गल नहीं सीगी, तो जिदा मैं लाइव के विच भी बोलिया भी बहुत सारिया गल्लां सीगियां, मैं उत्थे कह रहा सी मेरे दिल दीआं गल्लां, मैं अपना पक्ष अगे लोगों अगे रखना चाहता सी भी जो मैं चीज़ फील करना एज आ प्लेयर एज आ परसन जो मैं चीज़ फील करता, तो उहदे विच कोई पर्टिकुलर गल नहीं सी, उहदे विच बहुत सारिया गल्लां जुड़िया हुई सी जो पिछले 2-3 सालों तो मेरे मन के अंदर दबिया पईआं सी। तां बस वो एक टूरनामेंट की गल नहीं हैगी, टूरनामेंट करके नहीं होया सी असल दे विच, वो चीज़ एक दो दिन पहला हुई सी जो वीडियोज़ पाउंदे अपने यूट्यूब ते, तां उस चीज़ ने बस उहनूं अग देती ते मेरे जज्बात बाहर आ गए। तो वीडियो कट के की इदा का थोड़े ना हादसा वापरिया भी जी, वीडियो कट के मतलब तुम देखी ये कि गल थे को सामने आई, किने तुम भेजा की कुछ होया तो किदा तुम लाइव आए थे? लाइक मैनू रन स्कोर पै गए थे टूरनामेंट के उत्ते, तो मेरे सिस्टर बाहर ने उन्हें लाइक 4 साल हो गए असी मिले नहीं है, वो आए नहीं है इतने, तो वो लाइक उन्होंने बहुत खुशी होंगी कि मैं खेडदा ना ऑल ओवर पंजाब खेडदा, मेरा नाम बोलता, जित के मैं टूरनामेंट पोस्ट पाँना या वीडियो पाँना देखते हैं ना, बहुत खुशी होंगे उन्होंने, तो उन्होंने मैं उन्होंने को टाइम नहीं होंगे भी वो मेरा मैच लाइव देख सकन, क्योंकि तुम्हें पता टाइम अलाउ नहीं करता, दिन रात का फर्क पै जाता, तो उन्होंने मैं हाईलाइट वगैरह की स्क्रीनशॉट भेज दिना लाइक जिदा भी मेरी कोई नवी वीडियो होंगे भी मेरी सिस्टर आह वीडियो आई है तुम देख सकते हो है ना इदा इदा, तो जदों उस दिन ना ना भी लाइक मैंने स्कोर पै गए चलो ठीक है वीडियो पाती उत्थे उन्होंने मैंने भेजा से उस दिन स्क्रीनशॉट जदों लाइक उन्होंने खोल के देखा ना तो उत्थे आ गया भी सलीम का इंजन, जो उन्होंने फिर मैं आह चीज़ सेंड की ना वीरे की
उस चीज़ को लैके मैं बयान करने के मेरे को शब्द ही है नहीं सके उदो लैके मेरा दिल बहुत रोया उस चीज़ को लग के यार भी मैं किट के मैं लैक हरेक चीज़ पॉजिटिव देख रही थी बट मेरे हिसाब ना यार भी आह चीज़ मैं नहीं चाहता सी कदे अगे आनी चाहिए आ तो ना ही मैं ये चाहता सगा भी मैंने कोई इदा कोई लाइक पब्लिकली बोले है ना चलो ठीक है ग्राउंड के बोलता वो गल उ जो रह गई बट सोशली जो कोई आपको इदा लिख के पा देता सारी उम्र की मैमरी बन के रह जाती है उस चीज़ ने मेरा दिल झंझोड़ दिता सी। ओके सो इन्होंने बहुत वधिया गल जी आखी है भी घर के भी मैच देखते होंगे है सो भी ये गलत चीज़ा जो आप कट के वीडियोज़ पाने उ शब्दावली बिल्कुल वो हाँ शब्दावली है ना जी शब्दावली लैके लाइव हुए है सो जी शब्दावली होनी चाहिए है कहते पॉजिटिविटी होनी चाहिए है सो एक तरह मैं थोनों उदाहरण भी दिना सो जिस तरह कोई भी प्लेयर ला लो तमोर मिर्जा ला लो विराट कोहली ला लो सो जो उन्हां बारे तुसीं सर्च करोगे उन्हां दी प्रोफाइल जी सामने खुल के आएगी बिल्कुल पॉजिटिविटी के नाल प्रोफाइल उन्हां दी आएगी खुल के तो लोग देखते भी हाँ यार भी ये बंदा ये क्रिकेट खेडदा इहदी आ इमेज बनी हुई है सो भाई जदों तुसीं सलीम तलवंडी बारे सर्च करोगे तो जदों सलीम तलवंडी बारे तुसीं सर्च किया अगे निकल के आ गया सलीम तलवंडी का इंजन सो मैं ये गल दस देनी चाहुंदा कि उत्थे प्लेयर की रैपूटेशन नहीं रहिंदी सो भाई जी ये गल ते जरूर ध्यान दिओ भी एक प्लेयर का नाम बनाने के लिए बहुत लंबा समा लग जाता है पर मिट्टी जे आप नाम नू करी जाइए तो वह बहुत दुख लगता है सो जिस तरह बई ने दसिया भी सिस्टर बाहर बैठे से उन्होंने एक गल आखी भी क्रिकेट खेडना छड़ दो जे तुहाडी इज्जत नहीं हो रही सो इस करके बई ने बई दे मन नू गल लगी तो जाके लाइव हुई सी। सलीम जी आप गल करते हैं जो तुसी लाइव हुए सीगे उहदे तुसी कमेंटरां नू भी टारगेट किया जां प्लेयरां नू जां होर कमेटियां नू भी टारगेट किया इहदे बारे भी मैं जरूर पुछना चाहूँगा क्योंकि कमेंटेटर भी साढ़े सारे वीर है और जिस तरह कमेटी वाले भी है तुसी उन्हां नू भी कोई टारगेट लैके गल कीती सीगी? हाँ देखो मेरा कोई टारगेट नहीं सी पर्टिकुलर परसन तो सब तो वड्डी गल जदों मैं लाइव होया ना तो मैं सब तो पहल तो यह गल कही सी कि मेरी गल्लां नू उल्ट पासे ना लेके जाते तो बस जेडे तुहानू पता वो सारा कुछ उत्थे उल्ट हो गया लोगों ने अपनी पड़ास कढ़न लई कमेंटेटर नू मेरी गल ला के कहती भी तुहानू सलीम ने इदां कहता कमेटी नू कहता भी तुहानू इहदे टूरनामेंट नू निंदी जांदा इदां करी जांदा चलो आप किसी की सोच का म्यार है ना स्थापित नहीं कर सकते आप कुछ ना निश्चित नहीं कर सकते उस चीज़ ला के पर मैं गल क्लीयर करनी चाहना भी मेरा कोई भी परसन नू टारगेट करना का कोई मकसद नहीं मेरे दिल दीयां गल्लां सी जो मैं चीज़ फील करता सी मैं बोलती हाँ एक दो चीज़ा उरे परे मैं इत्थों बोलियां गईयां उस चीज़ का मैं दुख आ भी हो सकता यार भी मैं इस चीज़ को चंगे तरीके पेश कर सकता सी बट मेरे मन के इदा कोई नहीं भी मैं किसी को नीचा दिखावा जा किसी का दिल दिखावा इदा का मेरा कोई मकसद नहीं तो रही गल सब बोलन की लैके मैं कमेंटेटर लाइव अपडेटर हर एक बंदे लैके आया मैं टीम तो प्लेयर भी बच्चे कहा मैं घट्टो घट्ट 8-10 टॉपिक लैके आया से अगे वो सिर्फ मेरा एक दो टॉपिक चक के लैके जो नैगेटिव वाल जा रहे थे नैगेटिविटी पैदा कर रहे थे उस चीज़ को अगे पेश करता तो जो मेरी 8-10 चीज़ा पॉजिटिव सगिया सारिया इग्नोर हो गई मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। सो जिस तरह कास्को क्रिकेट के कमेंटर बारे थोड़ा की कहना है? देखो क्रिकेट जो अपनी कास्को क्रिकेट चलती है कमेंटर उस चीज़ का लाइक मुढ़ ने मैं लाइव के भी ये चीज़ बोली सी भी तुम मुढ़ो उस चीज़ बहुत वड्डी गल आ असल किसी ने गौर नहीं किया होना मैं कहा कि तुसी मुढ़ो जे कमेंटेटर आता ही क्रिकेट इन्नी ज़्यादा प्रफुल्लित हो रही है ता ही प्लेयर का नाम बोल रहा है तो असं एक परिवार का हिस्सा है कमेंटेटर भी परिवार का हिस्सा है तो प्लेयर भी परिवार का हिस्सा तो इस चीज़ को अलग नहीं किया जा सकता सारे ही इकट्ठे आपस अपना इन्ना ज़्यादा प्यार आ साडा प्लेयर का कमेंटेटर के नाल तो जिदा बाकी वह रही गल भी नाम बोलते हैं हुण किसी नूं की पता भी सलीम कित्थे आया जो कमेंटेटर मैनूं देखदा ग्राउंड दे विच नाम बोलता भी सलीम आया सलीम के पापा का नाम होर प्लेयर के पापा का नाम उसकी इज्जत करनी साड़ी पढ़ाई बारे दसना यह चीज़ों लग के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है चीज़ों लग के सो उदो खुशी मिलती है जो कमेंटेटर बोलते हैं क्योंकि तुहानू भी नहीं पता होंदा जिहड़ी हिस्टरी कमेंटेटर नू पता होंदी है वह अक्सर तुहाडे घर का सारा कुछ दस देंदे है भी है ना फादर साहब की करते हैं सो किन्ना क माण महसूस होंदा उस गल नू देखो चलो मैं कहना मेरे पापा भी मेरे मैचेस भी देखते होंगे तो एक दो बारी मैं सुनया जो मैं लाइक छक्के छुके मारदा ना या विकट आउट करदा तो उदो कमेंटेटर बोलते हैं भी डॉक्टर इकबाल खान का मुंडा तो मेरे चाचा डैडी के जो चेहरे पर रौनक होंगी ना मैनू पता मैं दस नहीं सकता तुहानू बट वो चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी वाली होंगी है तो इस चीज़ लिए तो मैं हमेशा ही धन्यवादी होवांगा भी इदा होंगे तो इदा ही होंगे रहे इंशाल्लाह। सो बई जी आप गलबात करते हैं कास्को क्रिकेट खेडी की कुछ सुधार सलीम तलवंडी जी चाहता है भी की सुधार कास्को क्रिकेट के होना चाहिए थोड़े जे रूलों लैके आप गल करिए सो जे देखिए भी पैसे लैके
ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਗਏ, ਲੰਡੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਲਾਈਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ NRE ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੇਮ ਨੂੰ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਟ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਆ ਪਲੇਅਰ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਆ ਪਰਸਨ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਲੀਮ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਦੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰੂ ਇੱਕ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰੂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਓਵਰ 4 ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, 4 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਜੂਗਾ ਬੰਦਾ? ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ ਵੀਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਜਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਭਰਤੀ, ਟੀਮ ਕੋਲ ਬੈਟਿੰਗ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਝੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਲੱਕ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਾਊਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, 4 ਓਵਰ 5 ਓਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਾਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਗਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਚੌਕੀ ਆਊਗਾ, ਯਾਰ ਵੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਲ ਮੈਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਓਵਰ ਹੀ 6-6 8-8 ਓਵਰ ਹੋਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਟੀਮ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੈਚ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ 4 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ 4 ਓਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਨਾ ਹਰਜੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਓਵਰ ਤੁਸੀਂ 6-8 ਰੱਖ ਅਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਆ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬਣਨਾ, ਨੋਟ ਐਜ਼ ਅ ਬੋਲਰ ਬਟ ਮੈਂ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਬੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਦੱਸੋ, ਜੋ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਓਵਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, 4 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਸਲੀਮ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਓਵਰ ਹੋਣ? ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਓਵਰ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜੇ ਪਰਸਨਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੋਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਨਰੋਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਮੈਂ 11,000 ਵੀ ਜਿੱਤਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਖੇਡਣ ਆਣਾ, ਹਰੇਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਗੂੰਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੂੰਜੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੂੰਜੇ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਨਾਮ ਗੂੰਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਰੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਵੀ ਨਰੋਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਟੀਮਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੋ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤਦੀ ਆ। ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਪਲੇਅਰ ਚੰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਟਿੰਗ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਟੀਮ 5 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡੂ, 1 ਜਿੱਤੂ, 4 ਹਾਰੂਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇਅਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆ, ਖੁਦ ਦੀ ਟੀਮ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਟ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਇੱਦਾਂ ਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਐਂਟਰੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਉ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿਉ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਉ, ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੀਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਉ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੋਂ ਆ, ਉਹੀ 500-700 ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਖਰਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿਉ, ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿਉ। ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਦੋ ਬਾਹਰੋਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ, ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਯਾਰ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਖੇਡਣ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਡਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਿਡਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ, ਖੁਦ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਟੀਮ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰ ਖੜਾ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਲੇਅਰ ਖੜਾ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੇਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 100-200-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਲੇਅਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਆਪਾਂ ਪਲੇਅਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰ ਖਿਲਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਲੀਮ ਤਲਵੰਡੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਬੋਲਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਾਸਕੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਬੋਲਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਖੁਦ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਰ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਰਾਏ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਚਲੋ
फिर इतने सब नू एकदम मौका मिलेगा। जे आप ये चीज़ नहीं कर सकते फिर मतलब ये ऑप्शन यही रेगूलर ही कर देना भी भाई बाहरला बंदा ओवर पाऊगा मतलब बाहरला दूजा ओवर पाऊगा पिंडला पहला ओवर पाऊगा। जो तुम ये भी नहीं कर सकते फिर तीजा काम कर देना जो पहला चलन आया कि वधिया रूल आया भी जे बंदा मिड ओवर लाऊगा एक विकेट देवे छे रन तो घट ओवर पाऊगा एक विकेट देवे वो जिमें असं प फस्ट ओवर पाने है ना पहला मच्छी बॉल होंगे फर्शां रखिया पो सर्कल तो बहर बंदे होंगे आ बेस्ट बॉलर आप काउंट करना होंगे विदाउट इकोनमी विदाउट परफॉर्मेंस नोट करके अपना विकटा काउंट करनिया होंगे तो यह सुभाविक ही है जो सर्कल तो बाद ओवर पाऊगा उन्होंने विकटा बद मिलनिया तो उस चीज़ में भी लैके चलो भी ये तीन तीन ही चीज़ा रह गई ये खुद रूल बनाओ सब इको लैके चलो आप कर सकते हैं। मैं ये बेनती मैं अपडेटर करना चाहना भी अपडेटर ये चीज़ कर सकते हैं कह सकते हैं भी तुम क्रिएटली बोलो जो भी अपडेट करता है कितने भी है ना पर्टिकुलर करता यार भी बॉलर लिए आप रूल रखा मैं कम करूँगा ये चीज़ कमेटियां कर सकती हैं जो टूरनामेंट करवाया क्योंकि अपडेट वाला आऊगा उन्हें अपडेट करके चले जाना। सो जिस तरह कमेटियां की कहना चाहोगे पंजाब जड़े वे टूरनामेंट करवाई है देखो मेरी तो यही बेनती है भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन मैं थोड़े अगे रख दिते है ना जो भी मतलब लुकते रहते इस चीज़ में लैके निखार कर सकते हो बहुत सारे चीज़ों के मैं गलत होऊंगा तो उन्होंने भी सुधार सकते हो भी यार सलीम यार शायद ये चीज़ आप इदा कर देगा ज़्यादा बैटर होगी एज अ फॉर अ बॉलर तो फॉर अ बैट्समैन ऑलसो इदा हो सकता है। सो बई ने बहुत कुछ दसिया भी बॉलर के लिए जिमें मछियां बोलना अजक फर्शा आ चुकी है ना सो बॉलर के लिए बहुत टफ चीज़ है। सो जिस तरह मैं देखता पंजाब के कई बॉलर है इन्नी तगड़ी बॉल पाते पर फिर भी बेस्ट नहीं जाते कोई पंजा खिडारी आ चार पाँच विकट लेंदा वो बेस्ट चला जाता है। सो वो कि मन हों यार छड यार क्रिकेट नहीं आप खेडनी भी यार की है यार भी बॉलर के लिए कुछ है ही नहीं कि मन मैं इस टाइम ना इस टाइम ऐप है मैं बॉल पा के राजी नहीं मेरा दिल ही नहीं करता बॉल पाने की फायदा कारण भीरे मैं की करूँगा यार मैं पहला ओवर पा जाना मैं ठीक है विकट रेयरली हों मैं विकट मिल जाए पहली गल विकट नहीं मिलती जोर लगी जाता रन पै जान फिर माड़ा बोलते वीडियो कट के पा जाते ये चीज़ा मन में बहुत दुखी कर दी एदू वधिया बैट फट के मूहरे खड़ जाओ जाके चार टल्ले मारो अड़ गया ठीक है नहीं मुड़ जाओ गधे घोड़े वाला कम इको करे पाया गया फिर ये चीज़ मैं नहीं कहता भी कोई भी लाइक प्लेयर जो देखी आता वो यंग बंदा उन्हें इंस्पीरेशन मिलती हो भी वह बॉलर बने अगला बॉलिंग तो दूर भजन लग गया इन्होंने चीज़ों करके ये चीज़ा नहीं होनी चाहिए। एज अ बॉलर मैं स्टार्ट किया तो मैं एज अ बॉलर ही है अज हालांकि मैं खुद को बैट्समैन बनने लग गया बट मेरा लाइक बॉलिंग का दबदबा वाधा गा तो मेरे घर तुम्हें जिन्या मेरी अचीवमेंट हो गई मैं बॉलिंग दी है नहीं कि भी मैं सीरीज दी अचीवमेंटा मेरिया बैटिंग मेरी आँदी नहीं बैट्समैन भी घट मिल रहा मैं बहुत ज़्यादा घट मिल रहा पिछों आना मैं चार पाँच बॉलों रह जा सत्त अठ रह जा दस बॉलों नौ छिके रह जाते जो मैं बैटिंग ते जाना गा रूल इदा के बना रखे आप बॉलर की तो अचीवमेंट ही नहीं मेरी आँगी चार चार विकटा क्ड के मैं कुछ नहीं मिलता टूरनामेंट तो दुखी होकर जाना मैं बहुत सारे बड़े टूरनामेंट हो मैं दसना नहीं चाहता मैं कदम बोलिया नहीं सगा मैं कुछ भी नहीं मिले इन्नी वधिया परफॉर्मेंस करके कुछ भी नहीं मिलता मैनू। सो कितना मन दुखी होता बहुत ज़्यादा दुखी होता लाइक मेरे लिए सब तो बड़ी अचीवमेंट होंगी ट्रॉफी होंगी है जो आप ट्रॉफी मिलती है ना मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट आ मैं वो भी नहीं मिलती जो टूरनामेंट जीती आना मैं तो टीम वाले ने रिक्वेस्ट कर लेना भी पैसे पूसे रहने मैं ट्रॉफी दे दो वो बेचारा का चलो हक होंगे ना वो अपना रख जाते लाइक ये चीज़ मेरे हले भी दिल में दुख आ भी यार भी जिनी मैं मेहनत की जिन्ना मैं क्रिकेट लिए अपने आप को है ना डेडिकेट करके अपनी मेहनत करके गेम बनाई उस चीज़ का फल नहीं मैं मिल रहा हाले तक भी। इन्हों का कहना भी बॉलर के लिए कुछ ना कुछ सख्त तो सख्त भी जिम्मे कह लिए वधिया तो वधिया रूल्स बॉलर के लिए होने चाहिए है। सो बई जी एक प्लेयर की गल करिए प्लेयर खेड आ 200 किलोमीटर तुम चले जाने हो तेल भी लगता गड्डी का कि खर्चा तो लेना चाहिए टीम को कि भी इदा ही खेड के वापस आना चाहिए। देखो लाइक तकरीबन 10 साल हो गए मैं खेलते 6-7 साल तक तो मैंने चीज़ पता भी नहीं ना ही मेरा मन करता सी मैं बसों के जाना मैं खेड़े आना है ना ये चीज़ा आदियां भी नहीं हूँ ज्यों ज्यों क्रिकेट इन्नी तेज़ हो गई सानू 200+ किलोमीटर तो मैं फोन आते घर भी वापस आना हों माँ प्यो ने हूँ चलो वैसे ठीक है तुम जिदा भी लैके चलो मैं एक नॉर्मल सुभाव की गल दस दिना मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं पसंद सगा भी तू रात को लेट आ बस के कोई बंदा घर नहीं पहुँच सकता आप देखते हैं ना यूजली लोग कहेंदे भी जो भी स्टार प्लेयर बाहरों खेडते बसा जा जाए बसों से भीरे सातों घर नहीं पहुँच होंगे जो अभी 3-4 बजे भी मैच हारते हैं 200 किलोमीटर तुम ला लो अं किमें घर पहुँचा घरदिया ने साधन दिते आ भी खराब करे पे है ना इन्ना घसा घसा गड्डिया आप जिन्ना भी जाने तो हूँ तुम आप हिसाब ला लो कोई अपना डीजल मचता कि कुछ हों अपने पलों खर्च करके किमें कोई खेड सकता आसे पास एरिए तो मैं कदम पैसा नहीं मंगया ना मैं लवा तो ना ही मैं कदम लैता
दूर जो मैं जाना गा उदो मैं टीम खर्चा दिंदी है। तो बाकी इदा भी मैं प्लेयर के ज़्यादा हक में इस चीज़ के रहना क्योंकि हर एक बंदे का करीयर का ऐसा टाइम आया पिया गा भी उन्हें अपना करीयर बनाना। तो जे हूँ भी वो पैसा ना कमाऊगा उन्हें अपनी लाइफ डिवोट करती क्रिकेट में लग के भी मैं क्रिकेट खेडनी आना मैं अपना घर भी चला फिर जो पैसा ना कमाऊगा तो की करूँगा। पैसे देना अपना हक बनता उन्होंने वह हक हैगा आप जो उन्होंने बुलावे वह हक दे के तोड़ना चाहिए। रही गल जायज़ नजायज़ की हूँ कोई प्लेयर जो थोड़े तो 50 किलोमीटर का 2000-4000 रुपया मंगता तो उन्होंने ना खिलाओ उन्होंने फोन ही ना करो भीरे जो उन्होंने कोई फोन ना जाऊगा फिर ही खेडू थोड़े से तो की लोड़ पई है उन्होंने बुलाने की तुम क्यों करा रही फसा लें आप यार भी अपन उही प्लेयर चाहिए फिर ये चीज़ा गलत हो जाए है ना। तो जो जो प्लेयर अपन हक भी नहीं देंगे कई प्लेयर अपने लिए फ्री खेलते रेंदे आ सारा साल अपन अपने टूरनामेंट से पुछ भी नहीं पुछते भी नहीं लाइक कितना कित चीज़ा अपन गलती है गरारियां वगैरह ना फसाओ अपना फ्री माइंड रहो तो जिन्ना भी जिस प्लेयर का हक बन उन्होंने देख के तोड़ो। सो सलीम जी तुम यूथ तुम्हें फॉलो करता है सो अज के यूथ को की कहना चाहोगे की स्नेहा तुहाडा? मैं यही कहना चाहना भी ठीक है पढ़ो लिखो आपदा इंजॉय करो तो जे तुम क्रिकेट में अपना करीयर मानते हो तो थोड़ा ध्यान ना ये फ्यूचर नहीं है कास्को क्रिकेट के लैदर क्रिकेट प्रैफर करो प्रोफेसन बनाओ अपना करीयर उस वाल लेके जाओ तो उदा माँ बाप के कहने च रहो तो रिस्पैक्ट एवरी वन जो भी थोड़े सीनियर ने उन्हें इज्जत करो तो लाइक चंगी गल खेलते हो बाकी लाइक माड़े कामों तो दूर जाने हो तो यह चीज़ चंगी है तो इन हमेशा ही लाइक इदा ही चलते रहो। देखो मेरा तो वैसे मैं बहुत बारी कहना चाहना पर यह चीज़ बिच रह जाती है बट मैं हमेशा ही जो हर एक बंदा जो जिथे भी मेरे मैच हुए ने जिथे भी मैं खेडन आया हर एक बंदे का कमेंट जे मैं किसी टूरनामेंट से जितना उन्हें कितने भी पोस्ट से कमेंट किया जो मेथों नहीं देखा गया तो मैं उस बंदे का धन्यवाद करना जो मैं हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो सलीम तलवंडी तुम्हें इदा ही हसदा खेलता मिलेगा तो बस प्यार बना के रखो इदा ही सपोर्ट करते रहो सारे प्लेयर नैगटिविटी तो दूर हो जाओ किसी प्लेयर को लाइक मैं नहीं चाहता भी किसी भी आप फेसबुक से पोस्टा पा के गाला कड़ी वो फैमिली परिवार को जो उन्हें गलती की हाँ उन्होंने परसनली कॉल करके समझा दो जो भी अजक चलता जिदा भी चलता तो बस पॉजिटिव रहो हसते वसते रहो खुश रहो। हाँ जी ये ने जी सलीम तलवंडी सोबाई की जिंदगी बारे असी जाने सारिया गलां बातें की और वीडियो तुम इस तरह जिमें पिछली वीडियोज़ में प्यार दिता इस वीडियो में भी तुम अंत तक एंड तक सारा कुछ देखियो और कमेंट बॉक्स के कमेंट करके भी जरूर दस्यो भी इंटरव्यू सलीम बई की किमें लगी है किड़िया गल् बई दचिया किड़े रूल्स किदा की क्रिकेट होनी चाहिए है। सो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो तो जाते जाते चैनल में सबसक्राइब भी जरूर कर लियो। सो इस तरह मैं सारे ही तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सो कैमरामैन हैप्पी हीर राजा हीरा।